और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर दौरे पर रहेंगे। जी हां, दोपहर 1 बजे तक सीएम पहुंचेंगे इंदौर। अभय प्रशाल में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर दौरे पर रहेंगे। जी हां, आज दोपहर 1 बजे तक सीएम पहुंचेंगे इंदौर। अभय प्रशाल में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बीजेपी नेता स्वर्गीय विष्णु प्रसाद शुक्ला के घर भी जाएंगे सीएम। स्वर्गीय विष्णु प्रसाद को देंगे श्रद्धांजलि। करीब 2 बजे लवकुश चौराहा स्थित फ्लाईओवर ब्रिज का करेंगे भूमि पूजन। बता दें, 56 करोड़ की लागत से 18 माह में तैयार होगा ब्रिज। चौराहे के समीप होगी सीएम की सभा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से, शहर की जनता को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज। इसी मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता सतीश शर्मा। तो बताइए सतीश जी, आखिर क्या है पूरा मामला? जी पूर्वी, मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 1 दिवसीय इंदौर दौरे पर आने वाले हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर आएंगे। एयरपोर्ट के बाद में वह अभय प्रशाल में एक आयोजन में शामिल होने जाएंगे, जिसके बाद में रीजनल पार्क में जाएंगे। रीजनल पार्क में वह जिन लोगों ने सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लिया है, उन हितग्राहियों से चर्चा करेंगे, उनको संबोधित भी करेंगे। इसके बाद में अन्य आयोजनों में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता विष्णु प्रसाद जी शुक्ला के घर जाएंगे, उनके स्वर्गवास होने पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। वहीं मुख्यमंत्री एक बड़े आयोजन में आ जाएंगे, जहां बताना चाहूंगा लवकुश फ्लाईओवर ब्रिज बनने जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूमि पूजन करेंगे। आज मुख्यमंत्री के कर गमलों द्वारा भूमि पूजन का आयोजन रखा गया है, जिसको लेकर बड़े स्तर पर आईडीए द्वारा तैयारी की गई है। बताना चाहूंगा इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा यह करीब 56 करोड़ की लागत से यह आईडीए का ब्रिज बनने जा रहा है, जिससे बड़ी सौगात मिलेगी इंदौर शहर को। मुख्यमंत्री आज इसका भूमि पूजन करेंगे, जो 18 माह में यह ब्रिज बनकर तैयार होगा। पूर्वी सतीश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मामले की अधिक जानकारी के लिए हम आपसे जुड़ते रहेंगे।